एक इतने बड़े मुकाबले में ना शेफाली वर्मा का बल्ला चला, ना कप्तान हनप्रीत कौर कुछ कर पाई और ना ही ऋचा घोष का बल्ला इस मैच में बोला। लेकिन अकेली स्मृति मंधाना ने एक निर्णायक मुकाबले में ऐसी पारी खेली कि भारतीय टीम की जीत इस मैच में पक्की हो गई। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जहाँ दोस्तों आयरलैंड और भारतीय टीम के बीच इन दोनों ही टीमों का ग्रुप का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा था, जहाँ आयरलैंड की टीम तो अपने तीनों के तीन मैच हार चुकी थी, लेकिन इन भारतीय टीम को अपना चौथा मैच किसी भी हालत में जीतना था ताकि भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके। ऐसे में भारतीय टीम को ये मैच तो किसी भी हालत में जीतना था। और जब दोस्तों भारतीय टीम इस मैच में खेलने उतरी तो भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर, जहां भारतीय टीम की तरफ से कोई भी बल्लेबाज कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाया था और सभी बल्लेबाज एक के बाद एक फ्लॉप साबित हुए। लेकिन एक तरफ स्मृति मंधाना अकेली खड़ी रही और उन्होंने इस मैच में एक ताबड़तोड़ पारी खेली। जी हां दोस्तों, स्मृति मंधाना ने इस मैच में केवल 56 गेंदों का सामना करने के बाद 9 चौके और 3 बड़े छक्कों की मदद से 87 रन बना दिए थे, जिस वजह से भारतीय टीम का स्कोर 155 रन तक पहुंच पाया था। जहां स्मृति मंधाना की बैटिंग इस मैच में काफी शानदार रही थी, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम के लिए ये मैच जीतना बेहद ही जरूरी था। और दोस्तों जब इसके बाद भारतीय टीम गेंदबाजी करने उतरी तो भारतीय टीम के गेंदबाज भी इस मैच में पूरी तरह फीके साबित हो रहे थे, क्योंकि शुरुआत में ये गेंदबाज काफी ज्यादा रन लुटा रहे थे, जिससे भारतीय टीम के ऊपर प्रेशर बनता ही जा रहा था। जहां भारतीय टीम ने पहले ही ओवर में आयरलैंड को 2 झटके तो दे दिए थे, लेकिन इसके बाद गेबी लुइस ने काफी विस्फोटक पारी खेली और वो इस मैच में काफी तेजी से रन बना रही थी। लेकिन जब उस समय वहां पर काफी तेज बारिश होने लग गई थी, इस वजह से इस मैच को रोक दिया गया था। जहां इस समय आयरलैंड की टीम ने 54 रन बना लिए थे 2 विकेट के नुकसान पर। और दोस्तों ये बारिश नहीं रुकी और इस वजह से इस मैच को डकवेल लुइस के मेथड से भारतीय टीम ने 5 रनों से जीता है। जी हाँ दोस्तों, केवल 5 रनों से भारतीय टीम ने इस मैच में जीत दर्ज करी है। जहां इस मैच में स्मृति मंधाना की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। तो वहीं दोस्तों भारतीय टीम ने इस जीत के साथ ग्रुप बी में इंग्लैंड के साथ क्वालिफाई कर लिया है। तो वहीं दोस्तों ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने क्वालिफाई करा है। वहीं दोस्तों, आप भारतीय टीम के क्वालिफाई करने से खुश हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इस तरह की क्रिकेट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।